वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन, आई होप यू गाइज यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये फोन में इन्फिनिक्स ने कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं जो इस प्राइस पॉइंट पर आज तक किसी और ब्रांड ने ऑफर नहीं की हैं। साथ ही साथ क्या ये फोन अंडर 10,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है, और ये फोन के प्रोज और कॉन्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, यानी कि गिव अवे, उसके लिए मैं आपको आगे चलकर जरूर से बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए एक क्विक अनबॉक्सिंग, बॉक्स के अंदर हमें कौन सी चीजें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा 10 वॉट का चार्जर, माइक्रो यूएसबी केबल, सिम इजेक्टर पिन और एक कवर दिया हुआ है फोन का। साथ ही साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर भी यहां पर दे रखा है और यूजर मैनुअल। इसके अलावा ऑब्वियसली हमें एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जिसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 10। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स में देखने को मिल जाती हैं। ये फ़ोन को हाथ में लेते ही फर्स्ट चीज़ जो मैंने महसूस की, अच्छा खासा ये बड़ा डिवाइस है। आ जाते हैं फिजिकल ओवरव्यू की तरफ। फोन के बॉटम साइड पर 3.5mm ऑडियो जैक, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। फोन के राइट हैंड साइड पर पावर ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर बटन। उसके अलावा लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे, जहां पर आप ड्यूअल सिम के साथ मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। फोन के रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप और फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट की गई है। किस तरीके से परफॉर्म करता है वो हम चेक कर लेते हैं। फेस अनलॉक को भी चेक कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाती हैं। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात की जाए तो जी हाँ, ये हैं ऑब्वियसली प्लास्टिक। इस प्राइस रेंज में हम ग्लास की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ये फ़ोन दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव हैं। लुक और डिज़ाइन को लेकर मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा, जो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब रुख करते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पर 6.78 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती हैं। पंच होल वाली डिस्प्ले हैं और ये डिस्प्ले HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती हैं। इसके अलावा इन्फिनिक्स ने डिस्प्ले प्रोडक्शन के लिए NEG ग्लास का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये फ़ोन काफ़ी हद तक शॉक प्रूफ और स्क्रैच प्रूफ बन गया है। मतलब काफ़ी हद तक डिस्प्ले के मामले में ये फ़ोन सेफ हैं। ये जो NEG ग्लास की प्रोडक्शन है वो नोकिया और ऑनर जैसी ब्रांड भी अपने फ़ोन में यूज़ कर चुकी हैं। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो ये फ़ोन मैंने जितने टाइम यूज़ किया, कलर्स और ब्राइटनेस को लेकर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ब्राइटनेस 480 निट्स तक मैक्सिमम जा सकती हैं। इंडोर और आउटडोर कंडीशन में डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी तरीके से विजिबल रहती हैं। एक चीज़ मुझे इस फ़ोन की सबसे अच्छी लगी, जिसकी वजह से ये फ़ोन मार्केट में दूसरी ब्रांड की तुलना में थोड़ा सा अलग हो जाता है। 10,000 रुपये के प्राइस रेंज में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है ये स्टोरेज मेरे लिए कम है, तो आप उसे ड्यूअल सिम के साथ मेमोरी कार्ड लगा के बढ़ा सकते हैं। इन्फिनिक्स ने इस फ़ोन में जो फीचर्स डाल के दिए हैं, उससे एक चीज़ क्लियरली पता चल जाती है, कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स ने सबसे ज़्यादा फोकस परफॉर्मेंस पर किया है। 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के अलावा MediaTek Helio G70 चिपसेट ऑफर किया है। आई थिंक ये प्रोसेसर कितना पावरफुल है उस पर मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये चिपसेट के साथ मार्केट में और भी फ़ोन मौजूद हैं। मैं आपको सिंपल लाइन में कहूँ, 10,000 रुपये में अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन फाइंड आउट कर रहे हैं, जहाँ पर आपको अच्छी खासी रैम और स्टोरेज देखने को मिले, तो उस हिसाब से ये फ़ोन को आप कंसिडर कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो ये फ़ोन हमें XOS के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको डार्क मोड का ऑप्शन भी दे रखा है, जो अच्छी तरीके से काम कर लेता है। लेकिन ब्लॉटवेयर भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, जिसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब आते हैं इस फ़ोन के गिव अवे पर। बहुत ही सिंपल कंडीशन है, आप में से कोई भी एक लकी सब्सक्राइबर ये फ़ोन को जीत सकता है।
इसके लिए आपको सिंपल चार कंडीशन फॉलो करनी है। सबसे पहली कंडीशन, वीडियो को लाइक करके जितना भी हो सके ये वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देना है। दूसरी कंडीशन, बेल आइकॉन के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए और भी सरप्राइजेस आने वाले हैं। तीसरी कंडीशन, ये स्मार्टफोन के बारे में आपके क्या ओपिनियन है सिर्फ एक कमेंट करके बताना है। आपके जो भी ओपिनियन है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप बता सकते हैं, फिर चाहे बुराई हो या अच्छाई हो। चौथी जो कंडीशन है, जैसे ही इस वीडियो पर 30,000 लाइक का टारगेट कवर होता है वैसे ही मैं आपको इसका रिजल्ट बता दूंगा। हो सकता है आपको लाइक का टारगेट थोड़ा सा बड़ा लगे, लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट के सामने ये कुछ भी नहीं है। बाकी फ़ोन की बैटरी के बारे में बात करूं तो 5200 mAh की बैटरी इस फ़ोन में लगाई गई है। इतनी बड़ी बैटरी लगाने के बावजूद फ़ोन की जो थिकनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे ये फ़ोन पर्सनली स्लिम लगा। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो ये फ़ोन में आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन बॉक्स में आपको 10 वॉट का चार्जर ही दिया गया है। तो अगर आपके पास 18 वॉट का चार्जर है तो इस फ़ोन को आप थोड़ा सा फास्ट चार्ज कर सकते हैं। अब आते हैं कैमरा सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आपको रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा और फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है ड्यूअल फ्लैश लाइट के साथ, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर ड्यूअल LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। मैं आपको रियर और फ्रंट साइड के कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ। ये है फर्स्ट इंप्रेशन। कैमरा UI की बात करूं तो यहां पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्लो मोशन, शॉर्ट वीडियो, AI कैम, ब्यूटी मोड, बुके, सुपर नाइट, AR शॉट, पैरानोमा, डॉक्यूमेंट्स। ओवरऑल प्रोज और कॉन्स की बात करूं तो डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, रैम, इंटरनल स्टोरेज, बैटरी और प्राइस, ये सारी चीज़ें मुझे इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी लगी। सिर्फ दो चीज़ों को लेकर इन्फिनिक्स को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एक है माइक्रो USB पोर्ट, जहां पर सी टाइप पोर्ट देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ एवरेज कैमरा, जिसे अपडेट के जरिए फिक्स किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, ये फ़ोन बिग बिलियन डेज में आपको 9,000 रुपये में भी देखने को मिल सकता है SBI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर, जहां पर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन के बारे में आपके क्या ओपिनियन है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।